नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस खास वीडियो में हम राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी स्कूल लेक्चर की, उसका जो ज्योग्राफी की जो सब्जेक्ट है उसका जो पेपर है, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उसका क्या है आपको ऑफिशियल आंसर भी बताऊंगा। तो साथियों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेपर टू सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है, और ये जो होल्ड करा गया था वो करा गया था 7 जनवरी 2020 को। यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे ये जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो पेपर जो है इसमें होता है, एक पेपर फर्स्ट जो है जनरल होता है, सेकंड जो है वो अपना सब्जेक्टेड होता है। तो सब्जेक्टेड पेपर जो क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ में उसके क्या है ऑफिशियल आंसर भी बताऊंगा। तो साथियों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जब सूर्य चंद्रमा एक पृथ्वी एक सरल रेखा में है तो जो ज्वार होगा वो किस प्रकार का होगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो मैं यहाँ पे खाली जो है हिंदी में बताऊंगा आपको, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर होता है, इंग्लिश में आप जो इंग्लिश मीडियम है जिनका वो खुद देख ले, क्योंकि अगर मैं दोनों में बताने लगूंगा यहाँ पे तो फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा हमारा क्या है लंबा होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे हिंदी में क्या है आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा है, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में है तो ज्वार होगा, कौन सा ज्वार होगा भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो दीर्घ ज्वार होगा, तो टू इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी द्वारा सूर्यताप की प्राप्ति अधिकतम होती है, तो दूसरे का जो आंसर था वो फर्स्ट था, 3 जनवरी को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, बेंगुला, पेरू, कनारी और अगुलास। यहाँ पे चार धाराएं दे रखी है, इनमें से भाई ठंडी धारा कौन सी नहीं है, पूछी थी नहीं है। तो इसका जो थर्ड राइट आंसर है वो है फोर, अगुलास जो है वो ठंडी धारा नहीं है, ये गर्म है। बाकी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, अक्षांश ऊष्मा संतुलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, थर्ड जो है केवल 80 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच। निम्न स्थल रूपों में से कौन सा पवन द्वारा विकसित नहीं है, पवन द्वारा जो विकसित नहीं है, यहाँ पे टोपोग्राफी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर था वो था थर्ड, अरेत, अरेत, ज्यूजेन भी है, इल्सेलबर्ग भी है, यारडांग भी है। नेक्स्ट है, चौगस द्वीप समूह अवस्थित है, चौगस द्वीप, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर था वो था थर्ड, हिंद महासागर में है चौगस, वहां पे एक रिज भी है कटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो टू होगा, पवन टोम्बेलो। नदी से जो क्या है प्राकृतिक तटबंध संबंध है, हिम नदी जो है सर्क का निर्माण करता है, पवन जो है सीप जो होता है एक तलवार की भांति जो क्या है बलवस्तूप होता है, लेकिन जो पवन जो है टोम्बेलो जो है इससे संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो टू होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है, दक्षिण सैंडविच जो खाई है वो कहाँ पे अवस्थित है भाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर था, अटलांटिक महासागर में सैंडविच जो गर्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर झील में सर्वाधिक लवणता है, तो इसका जो राइट आंसर जो था 9th का वो था फोर, ग्रेट साल्ट लेक जो है इसमें सबसे ज़्यादा हुआ है तुर्की में ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन सा एक महानंदी घाटी में स्थित है, तो 10वें का जो राइट आंसर था वो था फर्स्ट, तलचेर जो है महानदी घाटी में स्थित है, झरिया भी नहीं है, बोकारो रानीगंज ये कहीं नहीं, कोई नहीं इनमें से। निम्नलिखित में से ज्वार भाटा का कारण है, ज्वार भाटा का कारण पूछा था, तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट था, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल फर्स्ट था, बी भी हो सकता है, लेकिन जो चंद्रमा का जो क्या है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है सूर्य से ज़्यादा है,
तो इसका जो राइट आंसर जो है वो ए था यहाँ पे। नेक्स्ट है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर जो है ए दे रखा है, ए बी सी, यानी कि तीनों यहाँ पे सही माने गए। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल, अगर सर्वाधिक होता तो फिर चंद्रमा आना था, अगर सर्वाधिक पूछा गया होता। नेक्स्ट जो है वह है मलजखंड, जाना जाता है मलजखंड जो है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उसका आंसर है। फर्स्ट तांबा खनन के लिए जो है मलजखंड को क्या है जाना जाता है। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल लगभग कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ पे वो है 4 2.17 गुना। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ए होगा, पेरू जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है, बाकी एल नीनो, नॉर्वे धारा, कैलिफोर्निया, ये सब क्या है, गर्म है। ए सही है, ए तथा सी सही है, ए तथा सी सही है, पेरू और कैलिफोर्निया ये दोनों क्या है, ठंडी जल धारा है, बाकी जो एल नीनो और नॉर्वे जो है वो गर्म धारा है। तो इसका आंसर जो है ये था ए। नेक्स्ट है, अभ्रक उत्पादन उत्पादक केंद्र कोडरमा स्थित है, कोडरमा पूछा गया था कि कोडरमा कहाँ पर स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है थर्ड था वो झारखंड में है। नेक्स्ट, मानव भूगोल में क्रियाशील का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, क्रियाशील का जो सिद्धांत था वो थर्ड ने दिया था, जेन ब्रूस ने, इसका राइट आंसर थर्ड था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, तो इसका जो राइट आंसर जो है वो दो था, हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा जो है सीजनल है, जो क्या है मौसम से के अनुसार क्या बदलती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो टू था, संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने, तो इसका राइट आंसर जो था वो हमारे पास 19 का थर्ड है, नलामलाई श्रृंखला। नेक्स्ट जो है, ब्रोन प्रक्षेप है, ब्रोन प्रक्षेप क्या है, इसका जो है फर्स्ट है शंक्वाकार है, कॉनिकल। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम का सामान्य स्थिति रहती है, शीत ऋतु में उसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, हिमालय के दक्षिण ढाल के साथ। मानक विचलनों में विचलनों की गणना किससे की जाती है, तो 22 का जो है क्वेश्चन आंसर जो है थर्ड था, समांतर बांधे से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण प्रतिशत में सर्वाधिक है, तो 23 का जो है वो टू होगा, मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशतता है प्रतिशत के अनुसार। निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है, तो 24 का जो है वो एक है, काली मृदा जो है इसमें क्या है बड़ी भारी दरारें पड़ जाती है जब ये सूख जाती है पूरी तरह से, और फिर उसमें क्या है ऑक्सीजन क्या है जाती रहती है। आरेख प्रदर्शित कर रहा है, आरेख क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे एक आरेख दे रखा है आपके पास, डायग्राम दे रखा है। 25 का जो आंसर है वो है एक, पूर्ण धनात्मक सह संबंध जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, इस तरह जो है पूर्ण धनात्मक संबंध दर्शाया जाता है, अगर इस तरह का होता तो ऋणात्मक होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 26 का जो राइट आंसर है वह है फोर, यहाँ पे झूम खेती का वो क्या है प्रकार दिए गए थे और उनके नाम दिए गए थे कौन से स्थान पे कहाँ पे किस तरह से उसको जाना जाता है, तो 26 का जो राइट आंसर है वो फोर होगा, चेना थाईलैंड का में नहीं बोला जाता, लदांग मलेशिया है, मिलपार ओडिशिया है, और झूम खेती जो क्या है भारत में कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। नेक्स्ट, 27, भारत की गणना 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या शताब्दी जनसंख्या वृद्धि दर है, 27 का जो राइट आंसर है वो थर्ड है, 17.7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है, कुख्यात मीन्स प्रसिद्ध नहीं है, कौन सी नदी घाटी, तो 28 का जो राइट आंसर है वो फोर होगा, डी कावेरी।
नहीं, डी में जो है ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, पनगंगा, सिंधु और कावेरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गहन कृषि का विशेषता लक्षण है? कौन सी गहन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की विशेषता या लक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है वो थर्ड था, प्रति एकड़ उपज, उच्च उपज परंतु प्रति व्यक्ति कम उपज, प्रति एकड़ उच्च उपज परंतु प्रति व्यक्ति कम उपज। यहाँ पे क्या होता है, प्रति व्यक्ति जो उपज है वो अच्छी होती है, फसल अच्छी पैदा होती है, लेकिन यहाँ पे क्या, जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या है, प्रति व्यक्ति जो उपज है वो कम रहती है। फिर भी नेक्स्ट, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है, क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो है वो ए है, पेरिस और इस्तांबुल को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपके पास जोड़े दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर जो है वो फोर होगा, फोर, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, मतलब जैसे जैसे हैं वैसे ही दे रखा। लिमोनाइट, चांदी, स्टेफनाइट, अवरक, मॉस्कोवाइट, लोह अयस्क, लिग्नाइट, कोयला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का व्यस्तम नव्य नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नव्य नदी है? तो 32 का जो राइट आंसर था वो अभी फोर था, राइन नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जननकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 33 का, वो फर्स्ट है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। निम्नलिखित किन इस पाषाणतंत्रों का प्रबंधन सेल के द्वारा होता है? तो 34 का जो राइट आंसर था वो था टू, दुर्गापुर, नहीं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी कि इनमें सभी जो है इनका जो है निम्नलिखित जो प्रबंधन है वो सेल द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का संघन बसा प्रदेश है नहीं है? तो 35 का जो आंसर है वो फोर है, उत्तरी यूरोप। किसने कहा मानव भूगोल मानव परिस्थिति की है? 36 का जो राइट आंसर है वो टू है, एच एस बेराज ने, ह्यूमन इकोलॉजी शब्द का प्रयोग भी किया था इसने। योग विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उनके स्तर को सुधारता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 37 का जो राइट आंसर है वो है टू, मानव विकास। निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्ष 2014 में किस क्षेत्र उनके कुल जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 38 का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, यूरोप। फिर नेक्स्ट है वाटरलैंड रिपोर्ट संबंधित है, तो 39 का जो आंसर है वो टू है, सतत विकास से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है निरूपक भिन्न, 1.200000 बराबर है 40 का जो राइट आंसर है वो थर्ड है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 हेक्टोमीटर के करीब। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर है 41 का वो फोर है, नोमेनिक, ध्रुवीय खमध्य जो प्रक्षेप है, जियोनोमिक, पोलर जिनिथल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृत प्रक्षेप है? तो 42 का जो राइट आंसर है वो टू होगा, मर्केटर प्रक्षेप। नेक्स्ट है एक मानसूत निरूपक भिन्न
आर एफ 1.000000 पर बनाया गया है। उस मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा धरातल के कितनी दूरी को दिखाएगी? तो 43 का जो आंसर है वो फर्स्ट होगा, 20 किलोमीटर को। नेक्स्ट, निम्न सागरीय गर्तों में कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर जो है 44 का वो फोर होगा, सुंडा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। फिर है शुष्क ग्रीष्म काल एवं वर्षा युक्त शीतकाल विशेषता है कौन से प्रदेश की है भाई? 45 का जो राइट आंसर है वो थर्ड है, भूमध्य सागरीय जलवायु की। नेक्स्ट है स्वेज नहर का उत्तरतम पतन है, 46 का जो है वो एक होगा, पोर्ट सईद। इसका जो फर्स्ट पेपर है वो जो जनरल जो होता है सबके लिए वो मैं आपको क्या है कल अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्या है अपलोड कर दूंगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 46 का जो है मैंने फर्स्ट बताया था। नेक्स्ट है 47, क्याल या पश्चत जल पाए जाते हैं? 47 का जो है वो फर्स्ट है, मालाबार तट। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पटल विरूपणी बल या संचलन है? तो 48 का जो है वो थर्ड होगा, हिमजाओ एवलांच। एक मिनट, इसका जो है थर्ड केवल ए और डी, केवल ए और डी, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल, पटल विरूपण बल या संचलन है। नेक्स्ट है, भूसंतुलन के संदर्भ में किसने कहा कि परिवर्तित गहराई के साथ समान घनत्व तो क्या है समान रहता है? तो 49 का जो था ये कहा था एरी ने, एरी और प्रॉट ने इस पे क्या सिद्धांत दिए थे, तो एरी ने ये कहा था। रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, रिफ्ट घाटी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो टू होगा, भ्रंश के कारण जो है रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। अवदलन है, अवदलन क्या है भाई? तो 51 का जो राइट आंसर है वो फोर होगा, भौतिक अपक्षय। का एक प्रकार है, निम्न में से कौन सा अप्रबंधनात्मक स्वरूप है? 52 का जो है वो फर्स्ट होगा, जलप्रपात, लॉयस ड्रमलिन डेल्टा। ये लॉयस और ड्रमलिन डेल्टा ये क्या डिपोजनल और ये क्या है इरोजनल है, तो वाटरफॉल होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, कोरियलिस बल तथा दाब प्रवणता, कोरियलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समांतर बहने वाली पवन है। तो इसका जो है 53 का जो है वो टू होगा, भू विक्षेपी पवन, कैडावेटिक, जियो स्ट्रेटोट्रॉफिक विंड्स। नेक्स्ट है, लंबी रातें स्थिर मौसम स्वच्छ आकाश आदर्श दशाएं है। 54 का जो है वो टू होगा, विकिरणीय तापमान प्रतिलोमन हेतु, वैली टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, 54 का टू होगा, रेडिएशन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इन्वर्जन। नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, घड़ी की सुइयों के अनुकूल, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है, ग्लोबिजेरिना ऊज है क्या है भाई? ग्लोबिजेरिना ऊज जो क्या है, 56 का राइट आंसर है वो थर्ड है, आगात सागर सत्य सागरस्त्य निक्षेप, पेलाजिक डिपोजिट। निम्नलिखित में से किसने प्रबाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ये का किया था 57 का जो है टू, डेली ने। नेक्स्ट है, समुद्री समीर उत्पन्न होती है, 58 का जो है वो आंसर होगा फर्स्ट, कोरियोलिस स्थल तथा समुद्र
के ऊष्मा अवशोषण और स्थानांतरण के दर के कारण और दबाव प्रवणता बल के कारण, यानी कि इसका जो है दो कारण है, तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा, ए और सी। नेक्स्ट है, निम्न में से संभववाद का समर्थक नहीं था पूछा था। 59 का जो है वो फोर होगा, 59 का क्या है फोर होगा, एल्वर्स हटिंगटन, बाकी विडाल ब्लास भी थे, बेलचार्ड भी थे, जीन ब्रूस भी थे, ये सब फ्रांसिस थे। एस्किमो है, एस्किमो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, मोगलाइट प्रजाति है जो टुंड्रा प्रदेश में रहती है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की थी, ये की थी 61 का जो है थर्ड हटिंगटन ने। मैंने एक वीडियो बनाया था बुक्स और उसके राइटर, तो उसमें भी मैंने ये बुक्स बताई थी। 19 छलेदार बाल गोल सिर चोर चौड़े चपटे नाक थोड़े उबड़े हुए जबड़े आदि लक्षण है किस प्रजाति के भाई, 62 का जो है वो ए होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के ये लक्षण है। फिर नेक्स्ट है इंडोनेशिया के पिग्मी होते हैं, 63 का जो है वो टू होगा, न्यूरोइड प्रजाति के। नेक्स्ट है जॉन क्यू स्टीवर्ट का प्रवचन मॉडल आधारित था, किस पे आधारित था, तो इसका जो राइट आंसर जो है वो 64 का जो है वो फोर होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित था। इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। राजस्थान में निम्न जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है, 65 का जो है वो ए होगा, बारा। नेक्स्ट है समुद्र की स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण है किसका भाई, 66 का जो राइट आंसर है वो फोर होगा, धनात्मक संचरण। नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं, 67 का जो है वो टू है, अभिसारी प्लेट सीमा के साथ, जहां पे क्या अभिसारी प्लेट सीमाएं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, 68 का जो है वो टू होगा, कोहन दबाव क्षेत्र, महान समुद्र शक्ति से संबंधित में किंडर धुरी क्षेत्र है, स्पाइक्स ने उपांत क्षेत्र का प्रयोग किया था। 68 का टू होगा। नेक्स्ट है 69 निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है, तो 69 का जो आंसर है वो थर्ड है, नियॉन। नेक्स्ट है 17, जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा, संबंधित है, 70 का जो आंसर है वो थर्ड है, प्लैंक के नियम से। दस डिग्री चैनल विभाजित करता है, 71 का जो है 10 डिग्री चैनल जो है उसका जो राइट आंसर है वो फोर होगा, ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट जो है किसने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, 72 का जो है वो फर्स्ट है, एरी ने। दो क्वेश्चन इस एरी से संबंधित पूछे गए थे, नहीं सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो बी है, प्रोट, एरी और प्रोट ने दोनों ने इस पे विचार दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एकल संसाधन है, 73 का जो है वो फर्स्ट होगा, कार्योलाइट, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में स्थित नहीं है, 74 का जो है वो फोर होगा, उटाह। उसके बाद है परिहिमानी दृश्य भूमि उत्पन्न होता है, 75 इसका जो राइट आंसर है वो टू होगा, अनासदन से, डेन्यूडेशन। नेक्स्ट है ब्राजील में स्थानांतरित जो कृषि किस नाम से जानी जाती है, 76 का जो है वो फोर है, मोरक्का।
सूची एक नगर को सूची दो प्रमुख उद्योग से सम्मिलित करना था, तो यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर जो है 77 का वो 2 था, ए का 2, बी का 1। ए का 2, बी का 1, ए का 2 डेंड्रियाट ऑटोमोबाइल, बी का फर्स्ट पीटर्सबर्ग लोहा एवं इस्पात, सी का जो है वो फोर्ड था हेमबर्ग जो है सूती वस्त्र से, और ओसा का जो है वो पोत निर्माण से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मेसाबी श्रेणी रेंज स्थित है, 78 का जो है वो फोर है, अल्पस पर्वत में स्थित है ये मेसाबी श्रेणी। नेक्स्ट है, जापान को निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, 79 का जो है, सेवेंटी नाइन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा किकी मैदान, फिर नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो है फर्स्ट है, हार्टशॉन ने लिखी थी ये नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट है, किसने प्रकाशित किया था, किसने प्रकाशित किया था 81 का जो है, भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थैतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, 81 का जो है फर्स्ट है हेटनर ने। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गणितीय भूगोल तथा खगोल शास्त्र से संबंधित है, तो ये जो है वो है 82 का जो है वो 2 है, अल्मागेस्ट है जो एक टॉलमी ने लिखी थी, अल्मागेस्ट, टॉलमी का जो संबंध है वो ब्रह्मांड विज्ञान से रहा था अधिकतर। अज्ञात भूमि टेरा या इनकॉग्निटा का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, अज्ञात भूमि, 83 का जो राइट आंसर है वो 4 होगा, टॉलमी ने किया था ये भी। फिर नेक्स्ट जो है 84, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मेक्सिको के रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन व वर्णन किया था, 84 का जो राइट आंसर है वो 4 होगा, काल और सावर थे, कल्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, इनका ज़्यादा योगदान रहा था। फिर पेशेवर पत्रिका एनलस डी ज्योग्राफी वार्षिक ग्रंथमाला की आधारशिला किसने लिखी थी, एनलस डी ज्योग्राफी, 85 का जो राइट आंसर जो था वो था थर्ड, बिडाल डी लावलास ने, एनलस डी ज्योग्राफी। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे भी क्या है सुमेलित करना था आपस में, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मेजा बांध, जखम बांध, जवाई बांध, माही सागर बांध, ये जो है इसका जो राइट आंसर है 86 का वो फर्स्ट था। ए का थर्ड मेजा बांध प्रतापगढ़, बी का 2 जखम बाढ़, ए का थर्ड था 86। क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है, 86 है इसका जो राइट आंसर, हाँ फर्स्ट है, ठीक है, ए का। थर्ड मेजा बांध भीलवाड़ा, बी का 2 है जखम बांध प्रतापगढ़, सी का 4 है जवाई बांध पाली में, और माही बाजार जो है बासमबाड़ा में है। नेक्स्ट है, घोड़े के नाल या मुंद्रिका के आकार वाली प्रवाल विद्या इस नाम से जानी जाती है, 87 जो है उसका जो है थर्ड है, उसको एटोल्स कहा जाता है। चुक्यू कामटा सबसे बड़ा बड़ी खान है की चीज की है, 88 का जो है 2 है, तांबे की है चुकीब कामटा,
तांबे की। नेक्स्ट है भूगोलवेत्ता का सही कालानुक्रम कौन सा है, यहाँ पे कालक्रम दे रखा, भूगोलवेत्ता दे रखे, उनका कालक्रम अनुसार लिखना था, तो इसका जो राइट आंसर है 89 का वो फर्स्ट होगा, अनएक्जीमेडर, फिर इरेटोस्थनीस, फिर स्ट्रैबो आता है और फिर टॉलमी आता है। बहुत इजी था। नेक्स्ट है कायड मोहकमपुरा तथा सिद्धेश्वर कलापुर विपुल भंडार है, तो इसका जो राइट आंसर जो है 19 का वो थर्ड था, सीसा और जस्ता का। नेक्स्ट है निम्न किस भूगोल वेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व को स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 100 जो है कायक मोहपुरा तथा सीधेर कलापूर्व में विपुल भंडार है, सिस्ता, और इसका जो राइट आंसर है 100 का यह पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, कुछ अजीब से दिए हुए है, कंप्लीट नहीं है, 89, ये 19 हो गया, ये फिर एक आ गया। किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व को स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था, इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3, हेरोडोटस। मुझे लग रहा है ये 91 होगा, यहाँ पे पीडीएफ हमारे पास इसी तरह का कुछ डाउनलोड हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे दे रखा है 91, इंग्लिश में आप देख सकते हैं 92, हाँ अब ठीक आ गया, 92 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, वेस्टर्न स्पिनिंग मिल, श्री सीमेंट, मॉडर्न थ्रेडर्स, इसका जो राइट आंसर जो था 92 का वो है ए, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, सी का 1 और डी का हमारा क्या है, रॉयला मॉडर्न थ्रेडर्स, रॉयला। नेक्स्ट है 93, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है हुई, तो 93 है, इसका जो राइट आंसर जो था वो था 93 का जो है 2 है, 75.1 शहरी और 24.9% जो शहरी और ग्रामीण जो है 75.1, 93। फिर नेक्स्ट है राज्य का जैविक संकल्पना लैब श्रम का प्रतिपादन किसने किया था, तो 94 का जो है वो 2 होगा, रेडजेल ने दिया था ये सिद्धांत संकल्पना जो दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में मतलब व्यवस्थित है या ठीक है, 95 का जो है वो 4 होगा, बूंदी, अजमेर, नागौर और गंगानगर। फिर है प्लस ऑफ पल्स ऑफ एशिया किसने लिखी थी, 96 का जो है वो 3rd होगा, हटिंगटन ने लिखी थी ये। नेक्स्ट निम्न में से किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना वो किसने प्रस्तुत की थी, किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की, 97 का जो है वो फर्स्ट होगा, सावर ने, कार्ल सावर था इनका नाम पूरा। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, 98 इसका जो राइट आंसर है वो 3rd था, ये भारत कभी भी अवशिष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। नेक्स्ट है ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, ये है क्वेश्चन नंबर 99, 99 का जो है वो 2 है, डब्ल्यू पैक, पैक ने दिया था ये। वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन कारकों का ध्यान रखा गया था,
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका जो राइट आंसर जो था वो फर्स्ट था, केवल ए सी और डी सही है। ए सी और डी, कच्चा माल, परिवहन लागत और बाजार का उसने क्या ध्यान में रखा था। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है किसके द्वारा। 101 जो है इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। फिर नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है, तो 102 का जो है वो 2 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बालसन का एक उदाहरण है, 103 का जो है वो थर्ड होगा, सांभर झील बालसन का एक उदाहरण है। नाथरा का पाल स्थित है, नाथरा का पाल स्थित है, 104 का जो है वो 2 है, उदयपुर में, नाथरा का पाल कहाँ पे, उदयपुर में। नेक्स्ट है कलगुमान खान क्षेत्र प्रसिद्ध है, 105 का जो है वो 2 है, पन्ना के लिए। फिर है चंबल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर जो है 106 का वो फर्स्ट होगा, कोटा में, राजस्थान के कोटा में है ये। फिर नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किस में जनसंख्या घनत्व तो अधिकतम पाया जाता है, 107 का जो है वो थर्ड होगा, नागौर में। नेक्स्ट जो है खंडीन है, खंडीन है क्या है खंडीन, 108 का जो है वो राइट आंसर 2 है, जल संरक्षण तकनीक। नेक्स्ट जो है वो पुस्तक पुराणों का भूगोल किसने लिखा था, तो इसका जो राइट आंसर जो है 109 का वो 2 होगा, एस एम अली ने लिखी थी ये, एस एम अली ने। नेक्स्ट है नगर नियोजन को बारोक प्रणाली संबंधित है, 110 जो है उसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, पुनर्जागरण काल से, रेनेसिस जो पीरियड था। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नता का के कारण है, 101 का जो है, 111, 111 सॉरी, उसका 4 है, पर्यावरण और वंशानुगत दोनों। नेक्स्ट एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है, तो इसका जो 2 है, 112 जो है, 112 का राइट आंसर 4 है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना। नेक्स्ट है एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, शिक्षक को अपनाना खाली स्थान, रिक्त स्थान दे रखा है आपको, अपनानी चाहिए क्या, इस पे आपने भरना था इसको, तो इसका जो है 113 का जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा, परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट जो है 114, मौजूद ज्ञान में जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 114 का जो है वो 2 है, आत्म सात्करण, एसिमिलेशन। नेक्स्ट जो है कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचि विस्तृत है वह है, 115 का जो है राइट आंसर प्रतिभावान बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट जो है एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है, 116 का जो है वो 4 होगा, 116 का 4 है, ए बी सी डी यानी कि सभी उसकी क्या है विशेषता होगी, भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, उन दुनिया के बारे में सोचता है जो वास्तविक रूप में नहीं है, आगमनात्मक तर्क कर सकता है, ये सब है। नेक्स्ट है 117, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षा के अनुरूप होने का प्रयास करता है,
तो इसका जो राइट आंसर है 117 का वो है थर्ड, एक छात्र जो कक्षा 8 में है। नेक्स्ट है सूचना प्रसरण सबसे अधिक निकटता से संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर जो है 118 का वो थर्ड होगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। 119 का जो है सृजनात्मकता से संबंधित है, इसका टू होगा अपसारी चिंतन। उसके बाद है प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा अस्पष्टता से। शिक्षण के बारे में ये सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण कोण पर महत्व देता है, क्या महत्व देता है, तो इसका जो राइट आंसर जो था वो था थर्ड, सीखने का सामाजिक संदर्भ और ज्ञान छात्रों के द्वारा निर्मित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षणिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है, यह था 122, इसका जो राइट आंसर जो था वह था फोर, कार्य जगत को समझने में मदद। नेक्स्ट जो है वो है निम्नलिखित में से कौन किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है, तो 123 का जो है वो आंसर होगा फोर, आज्ञापालन। किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं, क्योंकि उस किशोर अवस्था में इंसान जो क्या है वो आज्ञापालन करना ही नहीं चाहता है। नेक्स्ट है अनुकूलन के द्वारा सीखना के द्वारा सीखना खालिस्तान के द्वारा सीखना है, इसका जो राइट आंसर जो है वो है 124 का टू, सहचार्य एसोसिएशन। फिर किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन एवं परामर्श शामिल करने की सिफारिश की है, तो इसका जो है 125 का जो है वो फर्स्ट होगा, शिक्षा आयोग 1964 और 66 का। नेक्स्ट है दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल को का खाना ले रहा है, उसके तुरंत बाद वो देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन था। तो इसका 126 का जो राइट आंसर जो था वो था टू, चरण थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है 127 का वो है टू, शिक्षक विद्यार्थी को अपनी रचनात्मक दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका जो है 128 का जो है वो है टू, शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्कर्ष से प्राप्त करता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो इसका जो है 129 का जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वो पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन में आनंद महसूस कर रही है। नेक्स्ट है डिस्कवरी लर्निंग खालिस्तान द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है, 130 का जो राइट आंसर है वो टू होगा, बुर्नर। फिर नेक्स्ट है किसी भी अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को खालिस्तान के नाम से संदर्भित किया जाता है, 131 का जो राइट आंसर है वो है टू, मेटा कॉन्ग्रिएशन। फिर नेक्स्ट है 132 खालिस्तान ने पहली बार भावात्मक बुद्धि परिभाषित की थी, 132 का जो है वह है फॉर, पीटर सेल्वे और जॉन मेयर ने भावात्मक बुद्धि को क्या है पहली बार क्या परिभाषित किया था।
फिर विज्ञान परीक्षा प्रतिपादन खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। 133 का जो है वो होगा फॉर जोसेफ एस सहवाग। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी सीखने की विशेषताएं हैं? 134 का जो है वो वन है, सामूहिक लक्ष्य है। नेक्स्ट जो है वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में आता है, क्या आता है? 135 का जो है वो है थर्ड, सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान और परिवार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, रक्षा युक्ति है। 136 का जो है वो है टू, अहम सुरक्षात्मक। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 137 का जो है वो होगा थर्ड, समग्र एवं पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है। 138 का जो है वो फर्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कंप्यूटर सहायक निर्देशों के सिद्धांत पर आधारित है। 139 का जो है वो टू होगा, क्रिया प्रस्तुत अधिगम। फिर नेक्स्ट है श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया है, इस प्रकार का दूरस्थ शिक्षा को किस रूप से जाना जाता है? तो इसका 140 का जो राइट आंसर है वो होगा फॉर वर्चुअल विद्यालय। नेक्स्ट जो है महावरसिक असनत्य पृथक करती है। 141 का जो है वो थर्ड है, निचली ऊपर पट्टी और ऊपरी मेंटल को। भूकंप के अवकेंद्र को इस नाम से भी जाना जाता है। 142 का जो है वो टू होगा, उद्गम केंद्र के नाम से जाना जाता है, फोकस। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना था। 143 का जो राइट आंसर होगा वो होगा टू। ए का थर्ड होगा क्रोकोटोवा सुंडा, बी का फर्स्ट होगा माउंट हेल्स संयुक्त राज्य अमेरिका, सी का फोर होगा कोटापेक्सी जो है फिलीपाइंस, कोटापेक्सी फिलीपाइंस तो नहीं होना चाहिए, तो इक्वेडोर में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 143 का आंसर थर्ड है, सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। थर्ड में जो है ए का थर्ड है, ए का थर्ड है क्रोकोटोवा जो है सुंडा में, और बी का वन, सी का टू, बी का वन, सी का टू और डी का फोर आएगा। फिर माउंट सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोटापेक्सी जो है इक्वेडोर में है, और म्यान जो है वो फिलीपींस में है। नेक्स्ट जो है वो है जीव गेन बनाता है। 144 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, मुलायम कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन अपघर्षण द्वारा। नेक्स्ट है गुम्फित नदी की विशेषता है। 145 का जो है वो है फॉर, 145 का क्या है फॉर। नेक्स्ट जो है वह निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है? 146 का जो है वो है थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापमान होता है। 147 का जो है वो फर्स्ट है, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा। नेक्स्ट है वायु में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा होती है। 148 जो है वह फॉर 5%, 148 का क्या है फॉर 5%। नेक्स्ट जो है वह है वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहता है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वह है फर्स्ट अभिवहन एडवेक्शन, और
लास्ट जो है वो है गियो है। गियो क्या है, 150 का जो है वो है फॉर स्पार शिखर समुद्री पर्वत। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के जो एजुकेशनल जो वीडियो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपके यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो में वो मैं कल जो है आपके लिए क्या है जो फर्स्ट पेपर जो होता है जनरल जो है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब चैनल को क्या है सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय।